आज हम अपने भाइयों के बीच अपने बीवी बच्चे और खुद को इतना महफूस महसूस कर रहे हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाई काया भी, आप लोगों ने यहाँ अगर बहुत बड़ी भूल कर दी। बांध दो इस हुमायूं के कुत्ते को, पहले इसके मालिक को खत्म करूंगा फिर इसका फैसला। तुम बहुत गलत कर रहे हो और इसका खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान पे सिर्फ एक परचम लहराएगा, लेकिन आपकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती से वो परचम आपका नहीं, सुल्तान शेरशाह का होगा। कामरान, या अल्लाह, रैम पर हमारे शहजादे को यहाँ ले मदद। मार डालो हुमायूं और उसकी बीवी और उसके पिल्ले को, कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए किसी भी हालात में। चलो मलिका, सिपाही ने इस खेमे को चारों तरफ से घेर लिया, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। चलिए जल्दी चलिए। मलिका, रुकिए, आपसे इल्तिजा है हाजरा बीबी, आपको एक औरत होने का वास्ता है, एक माँ होने का वास्ता है। हमारे शहजादी की हिफाजत और उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। मलिका, ये क्या कर रही हैं आप? आप शेर के मान में अपना मेमना दिए जा रही हैं? हम जानते हैं माँ, हम क्या कर रहे हैं। हाजरा बीबी, हम आपका यकीन कर सकते हैं ना? बोलिए हाजरा, हम आपका यकीन कर सकते हैं? कोई बच ना पाए, हुमायूं उसके खानदान को खत्म कर दो। घेर लो चारों तरफ से। कहाँ जा रही थी शहजादे को लेकर आप? आप गलत समझ रही हैं माम, हम शहजादे की भलाई चाहते हैं। हमें एक ऐसी जगह का इल्म है जहाँ ये महफूज रहेंगे, इनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। शहजादे की जान मुगलिया सल्तनत के लिए बेहद कीमती है और ऐसे में हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। ये हमारे पास सबसे ज्यादा महफूज है। लाइए दीजिए शहजादे को हमारा यकीन। अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत करना। मलिका की हिफाजत कीजिए, मैं देखता हूँ, यहाँ मैं संभालता हूँ, जाइए। Jensha! Jensha! But I'm gone!